अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मगज़ मसाला रेसिपी। यह हमारे पास है प्याज एक अदद, और यह हमारे पास है मिर्च और धनिया, और यह हमारे पास है 5 अदद टमाटर, और ये 3 अंडे, और ये मगज़, और ये ऑयल है। और अब हम जा पतीले में 2 चमचे ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, इसको अब थोड़ा ब्राउन, हल्का ब्राउन होने तक। अब हम इसमें, अब आप देख रही हैं हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर और दाल मिर्च जो हल्का सा पिसा हुआ है, और ये सारे मसाला। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इसको पकाते हुए जब तक गर्म जाते हैं इसका इसमें हम डालेंगे मगज़, और इसके साथ ऐड कर देंगे मगज़। ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और इसे हम थोड़ी मिनट तक पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अंडे, और इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर देंगे। इसको पकाते हैं जब तक कि ऑयल छोड़ते हैं, जब तक हम पकाते हैं इसमें सर से। आप देखते हैं इसमें ऑयल बाहर आ गया है, मतलब ऑयल निकल गया है इसमें से। अभी स्टीम पर तैयार हो गया हमारे पास। अब हम स्टीम पर डाल देंगे हरी मिर्च और धनिया। इससे खूबसूरत भी लगता है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये हमारे पास तैयार हो गया है माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं, देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, और है भी बहुत मज़े का टेस्ट में भी।